नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल झटपट कुकिंग विद स्वाति में। दोस्तों, आज हम टमाटर मूली की एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे आप चटनी या सब्जी किसी भी रूप में, रोटी या चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चले बनाते हैं मूली टमाटर की यूनिक रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें 8 से 10 टमाटर, जिसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, 3 से 4 मूली जिसे छील कर धोकर रफली काट लें, नमक, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सरसों दाना, 6 से 7 खड़ी लाल मिर्च, धनिया गरम मसाला, हल्दी, 1 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 9 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा तेल लगेगा। सबसे पहले लहसुन, अदरक और मूली को क्रश करें वीडियो में दिखाए अनुसार, जो इस प्रकार दिखेगा। अब कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल का गरम करें, मिर्च को तोड़कर जीरा और सरसों के साथ डालें, फिर कटे प्याज को डालें और 1 मिनट भूंजकर क्रश किए हुए मूली, लहसुन, अदरक को डालें। 1 मिनट भूंजे, तदनुसार नमक डालें, आधा टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया गरम मसाला डालकर बारीक कटे हुए टमाटर को डालें और 1 मिनट ढक कर पकाएं। फिर उसे 2 सीटी आने तक पकाएं। कुकर का प्रेशर खत्म होने के बाद कुकर खोलें, जो कि इस प्रकार दिखेगा। इसे अच्छे से मैशर की सहायता से मैश करें। इसे आप रोटी या पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी अपने आवश्यकता के अनुसार डालेंगे और 3-4 मिनट पकाएंगे। गैस को बंद करें और गर्मा गर्म मूली टमाटर की सब्जी को चावल के साथ एंजॉय करें। तो लीजिए, तैयार है झटपट बनने वाली स्वादिष्ट और चटपटी मूली टमाटर की सब्जी। तो दोस्तों, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।